चाप, चिकन और लिट्टी दोनों को लेते हैं, ग्रेवी लेते हैं, थोड़ा सा सलाद लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं क्या मिला है मेरे को। ये देखिए चिकन का ये पीस जो है, ये कितना बड़ा पीस दिए हैं, ये चाप वाला पीस एकदम। और ये क्या डाल रहे भैया? हाँ यही पूछता है सभी, क्या डाल रहे भैया? इतना गाली पड़ता है इस पूछने के लिए भाई। यहाँ पर लिट्टी और चिकन रेडी हो रहा है और बहुत सारे लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये दुकान खोले वैसे ही लोग बैठ करके यहाँ वेट करना शुरू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही फेमस है ये बेसा चौक का लिट्टी और चिकन का दुकान, एक महीना में इतना फेमस दुकान। तो भाई आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ मेरा फेवरेट है वही चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। और गढ़वा में एक हम वीडियो बना चुके थे लिट्टी और चिकन का, बिहार में बहुत जगह मिलता है लेकिन रांची में हम ढूंढते रह गए, बहुत ही मुश्किल से हमको एक जगह मिला है। और ये संतोष चाप लिट्टी का दुकान है, यहाँ देखिए सामने लिट्टी और चिकन यहाँ पे मिलता है। चिकन का जो क्वालिटी होता है ना वो चाप चिकन होता है, उसको चाप करके बनाया जाता है और लिट्टी देते हैं ये 5 रुपये में सिर्फ देते हैं, बिहार वाली लिट्टी। तो जो भैया हैं ये छपरा से आए हुए हैं और रांची में चिकन बेच रहे हैं क्या भाई? हाँ भाई, लेकिन चिकन या चिकन और लिट्टी यहीं मिल रहा है ना? हाँ रांची में अभी चिकन लिट्टी कहीं नहीं मिलेगा, हमको लगता है कि चिकन चाप और लिट्टी यहीं पे मिल रहा है, जहाँ तक हमें हम दोनों को लगता है चिकन चाप और लिट्टी सिर्फ अभी यहीं मिल रहा है। तो ये बता भाई कि तुम कभी चिकन लिट्टी खाया है कि नहीं खाया? चिकन लिट्टी खाया है लेकिन चिकन चाप लिट्टी फर्स्ट बार ट्राई करने जा रहे हैं। तो ये भी ट्राई करके आप लोगों को बताएगा और हम भी आपको बताएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे बहुत हिम्मत मिलता है हमको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और हम लोग पहले इसका जो मेकिंग शूट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको टेस्ट करके बता देंगे कि कैसा लगा क्या। चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना जो दुकान है उसका सेटअप एकदम स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट होते ही आप देखिएगा कि यहाँ पे चिकन जो मैरिनेट करके ला के रखते हैं ये लोग, और ये सामने रख दीजिएगा भैया, पूरा इसी पर रखेंगे। अच्छा छपरा हुआ नहीं? अच्छा यहाँ रांची कब आए? रांची हो गया। अच्छा रांची 2 महीना हो रहा आपको आए हुए? अच्छा चाप अलग रहता है पीस ना, उसको पीट देते हैं आप लोग? अच्छा मैंने उसमें रसा अंदर तक चला जाता है। ये मुर्गा अच्छा। खाइएगा ना हाँ। आपको देसी मुर्गा जैसा लगेगा, है फार्म वाला। अच्छा फार्म वाला लेकिन देसी जैसा लगेगा, देसी जैसा। चलिए बहुत बढ़िया, बनाइए जल्दी फटाफट, खिलाइए हम लोगों को। बहुत ज़रा सा तेल डाले भैया सरसों का? तावा पोछने। अच्छा तावा पोछने के डाले। तो भाई यहाँ देखिए आप सरसों तेल से तावा को पहले पोछा जा रहा है, एकदम चमकाया जा रहा है ताकि जो चिकन है वो सटे नहीं, और इसी पर आप बनाएंगे, फिर से तेल डालेंगे और फिर से इसको रेडी करेंगे। ये देखिए भाई यहाँ पे ये जो बना के लाते हैं मसाला जो है ये घर पे ही फ्राई करके लेकर आते हैं। अच्छा तो भाई जो लिट्टी है वो ये घर से बना के लाते हैं, ये कोयले पे इसको पकाते हैं और फिर यहाँ ला करके तावा पे इसको रख देते हैं सजा। और ये देखिए भाई शुरुआत जो है वो हो गया है, और यहाँ प्लास्टिक इसको ढक दिया गया है ताकि गर्दा और धूल इस पर ना पड़े हम आपको। और यहाँ पर तावा लग गया है, तावा पर डाल दिया गया अपना सरसों का तेल। देखिए भैया इधर मत काट लीजिएगा, अब हम देखेंगे छलका। तो एकदम बारीक काटा जा रहा है अपना धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता ऊपर से डालते हैं कि इसमें बना के डाल देते हैं? अच्छा अच्छा स्टार्ट हो गया यहाँ पे जो है अपना लिट्टी और चिकन बनना स्टार्ट हो गया है। और ये देख लीजिए आप जो चिकन होता है उसको मैरिनेट करके पहले से रख लेते हैं, तो डायरेक्ट तवा पे फ्राई किया जा रहा है। मैरिनेट करते समय कौन कौन सा मसाला यूज़ करते हैं? नॉर्मल जैसे घर में बनाना इसमें चाइनीज कोई नहीं, सब नॉर्मल है, जो घर में आके खाता वही है। अभी इसको चिकन को फ्राई करने के बाद फिर उसको प्याज वाइज फ्राई करिएगा? अच्छा अच्छा वह इतना जूसी चिकन लग रहा है ना कि हम आपको क्या बताएं। अभी देख करके ही मुँह में पानी आने लगा है, सिर्फ चिकन फ्राई खाने का मेरे को मन करने लग गया है। लेकिन इसको चिकन फ्राई नहीं, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मसालों में बनाया जाता है। यहाँ अपना लिट्टी और चिकन बन रहा है, तब तक जो इसके ओनर हैं संतोष जी उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। नमस्ते संतोष भैया, कब से चल रही है दुकान? 1 महीना हुआ अभी। 1.5 महीना हो गया। अच्छा अपना एड्रेस आप बता दीजिए एकदम प्रॉपर एड्रेस कि कहाँ पे है ये? ये हवाई नगर रोड में कैनरा बैंक का सामने। कैनरा बैंक की जस्ट सामने। हाँ क्या क्या रखें यहाँ पे ऑप्शन में, क्या क्या रखें खाने के लिए? लिट्टी है, लेग पीस है,
और चाप है, मैंने चिकन चाप रखे हैं और लिट्टी रखे हैं। तो और भी कोई ऑप्शन है आपके पास? ये तीन चीज़ें अभी तीन चीज़ है और एक चीज़ और था कॉम्बो, वो अभी नहीं है, कल से रहता है ना। हाँ रहता है। क्या कॉम्बो में क्या ऑफर है? उसमें पोर्ट के लीजिए रहता है और ये बोनलेस पीस रहता है। अच्छा, पोट के लीजिए और बोनलेस दोनों को मिक्स करके आप खिलाते हैं लिट्टी के साथ? लिट्टी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया है, तो हम भी अपना टेस्ट कर लेते हैं। लिट्टी चिकन तो बन ही रहा है, कर लीजिए कर लीजिए। खाते हैं और दर्शकों को बताते हैं कैसा लग रहा है। रेट बता दीजिए एक बार आप। 25 रुपये पीस चिकन है। हाँ। लेग पीस 60 रुपये है। अच्छा। और कॉम्बो 50 रुपये है। अच्छा अच्छा। और लिट्टी 5 रुपये है। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, फिर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है, हो गया भैया, ये फ्राई हो गया। अच्छा, तो अब जो उसका तेल बचा हुआ था उसी में अब इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए कसूरी मेथी और मसाला डाला जा रहा है। मसाला में गरम मसाला डाला गया और चिकन मसाला डाला गया। भाई ये देखिए अपना फ्राई हो गया है प्याज वर, और उसका फिर उसमें चिकन डाल दिया गया है और फिर लिट्टी भी ऐड कर दी है। लिट्टी को कट किया जा रहा है। ये देखिए भाई अपना भुंजा गया है। भुंजाने के बाद इसमें जो है ये ग्रेवी ऐड कर रहे हैं, जो कि घर से पका कर खिलाते हैं, प्याज वाला ग्रेवी। वाह क्या बात है, एकदम तगड़ा वाला चिकन लिट्टी अपना रेडी हो रहा है। रेडी हो गया भैया ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई अपना लिट्टी और चिकन चाप रेडी हो गया है, अब इसको सर्व किया जाएगा। ये देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लगा है, अब इसको टेस्ट करके बताने वाले आपको। ये देखिए ये एक प्लेट हो गया विद ग्रेवी, 60 रुपीज़ का ये, और सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में आपको मिल रहा है ये 2 पीस चिकन और 2 पीस लिट्टी। एक बार आप एड्रेस समझ लीजिए, ये देखिए संतोष चाप लिट्टी इसका नाम है, सामने मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और ये बिरसा चौक हो गया आगे आपका, बिरसा चौक का ये जो बोर्ड है ना, उसके जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आइएगा तो सामने आपको दिख जाएगा ये कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के जस्ट एकदम सामने आपको ये संतोष चाप लिट्टी का दुकान मिल जाएगा। तो आइए आप भी खाइए और हमें बताइए कैसा लगा। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं ये क्या मिला है मेरे को। ये देखिए चिकन का ये पीस जो है, ये कितना बड़ा पीस दिया है, ये चाप वाला पीस एकदम। और इसका इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 25 रुपये का है। तो 2 पीस चिकन लिए हम लोग। और ये देखिए ये लिट्टी अपना, मुँह में पानी यार आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही देखते खाना। ये देखिए 2 पीस लिट्टी को कट करके दिए है, और साथ में आपको सलाद मिला और ग्रेवी अनलिमिटेड मिला है। ये देखिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग अपना टेस्ट कर लेते हैं, गर्मा गर्म लिट्टी और ग्रेवी। जो लिट्टी और लिट्टी बिट टाइट होगा, लेकिन इसको ग्रेवी में जब लपेट खाएगा ना आप, एकदम शानदार लगने वाला है। तो ये जो ग्रेवी है उसका बेसिक मसाला जो घर पर हम लोग बनाते हैं ना, एकदम स्वादिष्ट है, जो हम लोग घर पे बनाते हैं एकदम देसी मसालों के साथ इसका ग्रेवी को तैयार किया गया है। और यहाँ ला करके जो हमारे सामने डाले ये मिर्चा लहसुन और अदरक का टेस्ट एकदम उभर के आ रहा है। एकदम शानदार चिकन है, चिकन है ग्रेवी है। अब इसका जो चिकन का पीस है काफ़ी गर्म है लेकिन एकदम टेंडर है, देखिए आसानी से एकदम टूट के अलग अलग हो रहा है ये। वाह क्या बात है, इसको अब हम लोग एकदम ग्रेवी में लपेटते हैं और वाह वाह वाह। आप समझ सकते हैं जब उंगली चाट रहे हैं मतलब समझ लीजिए कितना टेस्टी होगा। बगल में एयरपोर्ट है, हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है, इसको इग्नोर करिएगा, आप मेरी आवाज़ भी सुनिए पहले। भाई एकदम ज़बरदस्त है आदर्श, सत्तू का जो फीलिंग है ना वो थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। तो ये चीज़ हम भैया को बता देंगे, वो सुधार देंगे, अभी नया दुकान है ना, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं हम लोग। बहुत हेवी लग रहा है, हेवी का मतलब भारी नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है। रांची में हम लोग जो कोई चीज़ अच्छा लगता है ना बोलते हैं हेवी लग रहा है, वही हेवी वाला माल है एकदम। तो चलिए फिर अब आदर्श से पूछ लेते हैं उसको कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। चलो पहली बार आदर्श खा रहा है, कैसा लग रहा है भाई? एकदम बेहतरीन लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है ना? सही लग रहा है, एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। थोड़ा सा चिकन का अलग स्वाद आ रहा है क्योंकि ये चाप चिकन है, तो एकदम बेहतरीन स्वाद आ रहा है। और मसाला अंदर तक गया इसका है ना। इसके चिकन को ट्राई करते हैं ग्रेवी के साथ, बढ़िया लग रहा है। रेटिंग बताओ यार, 10 में से कितना दोगे? 10 में से तो 10 देंगे अभी, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, तुमको अच्छा लग रहा है? हाँ, हम 10 में से 8 देंगे क्योंकि जो लिट्टी है ना इसका, लिट्टी थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए था और थोड़ा फीलिंग लिट्टी को लेके थोड़ा सा हाँ, लेकिन 5 रुपये में दे रहे हैं इसलिए मैनेजेबल है ये। 5 रुपये में दे रहे भाई लिट्टी और चिकन, तो भाई मैनेज करके आप खा सकते हैं रेट के हिसाब से।
चिकन तो काफ़ी अच्छा है भाई। चलिए और ग्रेवी बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। एकदम सर।